विनेश फोगाट को मिलेंगे सिल्वर मेडल विजेता वाले सारे लाभ, सीएम का ऐलान, क्या बोला परिवार। भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को देश में सभी लाभ, गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी वाले मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को ऐलान कर दिया है। इस पर फोगाट के परिवार ने भी खुशी जताई है और कहा है कि इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बुधवार को उनका फाइनल मैच होना था। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि विनेश फोगाट को सारे लाभ मिलेंगे, वो रजत पदक विजेता को मिलते हैं। उन्होंने लिखा, हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। उन्होंने आगे लिखा, हमारी सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है, वे सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दिए जाएंगे। हमें आप पर गर्व है विनेश, क्या बोला परिवार। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से विनेश फोगाट को रजत पदक विजेता को मिलने वाले सभी लाभ देने की घोषणा कर उनके चाचा महावीर फोगाट ने कहा, ये मुख्यमंत्री की अच्छी पहल है। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विनेश को रजत पदक मिला है, ये एक अच्छा कदम है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं हरियाणा सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अगर कभी अन्य एथलीटों के साथ ऐसा होता है तो इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। एक दिन में मछाड़े 3 पहलवान। मंगलवार को जब फोगाट मैदान में उतरी तो उन्होंने दिन में सबसे जापान की रिकॉर्डधारी हुई युसाकी को हराया बाद में उन्होंने फाइनल में एंट्री की है। क्यूबा की क्यूसनेलिस गुजमान को पटकनी दी। यहां से फोगाट का सिल्वर मेडल हासिल करने का रास्ता साफ हो गया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि वह बुधवार को फाइनल में अमेरिकी पहलवान सारा हिल्डब्रांड को हराकर स्वर्ण पदक भी जीत सकती थी। इतिहास में पहली बार भारतीय महिला पहलवान ने ओलंपिक फाइनल में जगह बनाई थी।